आप सबका स्वागत है। आज हम 2 मार्च के ईश्वर वरदान में आ पहुंचे हैं और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हे मेरे आत्मा बच्चों, तुम्हें अपना पहला जन्म याद करना है, जब मैं तुम्हें नीचे धरती पर भेजा था, जब तुम एक दिव्य आत्मा थे, और फिर जन्म लेते 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 जब तुम दिव्यता से अपवित्रता की तरफ चले, तो लास्ट में आकर के मैंने तुम्हें फिर से ब्रह्म ज्ञान दिया, स्व का ज्ञान दिया, और तुम कहां से आए हो, ब्रह्म तत्व से आए हो, उसका ज्ञान दिया, जिससे कि तुम एक सच्चे ब्राह्मण बने और ब्राह्मण बन रहे हो संपूर्ण। तो अपने पहले जन्म को याद करो और अपने अंतिम जन्म को याद करो, तब जाके तुम्हें रचने वाला कौन है वो बहुत ही सहज याद आ जाएगा कि उसने तुम्हें कितना खूबसूरत रचा था, और तुम जब पवित्र से अपवित्र बन गए, तुम्हें फिर से कितना खूबसूरत रच रहा है वो फिर से इसी ज्ञान के द्वारा। तो देखें परमात्मा के अपने शब्दों में, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूपों को सामने रख कि मैं कौन था जब मैं आत्मा इस धरती पर आई, मैंने कौन कौन से रोल्स निभाए और फिर मैं क्या बन गई आत्मा। सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप हवा। ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम याद करें तो यही हमें खुशी और नशे में रहने देती हैं, और जो छोटी छोटी भौतिक दुनिया में जो लाभ हानि जय पराजय होती है, निंदा स्तुति होती है, उससे हमें परे कर देती है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण, आदि देव ब्रह्मा, आदि देव जो सबसे पहला देवता था, इसलिए उस शब्द आदि देव से शब्द आया आदम, तभी कहते हैं आदम शुमारी। आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा सबसे पहली आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हैं कि ब्रह्मा और श्री कृष्ण साथ हैं, क्योंकि वो आत्मा एक ही है जो कि ब्राह्मण से देवता मतलब कि ब्रह्मा से श्री कृष्ण बनेंगी, श्री नारायण बनेगी बड़े होकर के। ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। विचार करो इसके ऊपर, परमात्मा जब हमें बता दिया है कि हमने कितने जन्म लिए हैं, हमने क्या क्या जन्म लिए हैं, तो क्यों ना याद करें हमने क्या क्या रोल निभाए होंगे उन जन्मों में, इतने उच्च श्रेष्ठ जन्म लिए होंगे, दिव्यता के जन्म लिए होंगे सत्य को त्रेता में, तो आज के जन्म के कंपैरिजन में, तुलना में वो जन्म कितने सुंदर थे, लेकिन हम वो फिर से बनने वाले हैं, ब्राह्मण बनकर ज्ञान सुनकर के हम फिर से वो बनने वाले हैं, तो कितनी खुशी की बात है। तो अभी के इस जन्म के बारे में ही सोचें कि हम आगे आने वाले भविष्य के खूबसूरत जन्म के बारे में सोचें। अभी दिक्कतें, अभी प्रॉब्लम्स, सेहत, मानसिक प्रॉब्लम्स, संबंधों की प्रॉब्लम्स, धन की प्रॉब्लम्स हैं हर किसी को, लेकिन ये स्मृति से ही हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। सोचें आप जरा, आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया, आधा कल्प मतलब सत्युत्रेता, फिर द्वापर कलयुग लास्ट में, सो आधा हो गया टाइम सत्युत्रेता, हमने राज्य किया, और आधा कल्प मतलब कि द्वापर और कलयुग माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, क्योंकि हमने जो सत्युत्रेता में उच्च कर्म किए थे और हमने जो संगम युग पर उच्च कर्म किए थे, वो तीनों ही युगों को अगर हम जोड़ दें तो परमात्मा कहते हैं तो तुमने जो अपना जीवन बिताया उसकी तुम्हारी पूजा जो होती है, तुम्हें इतना जो मान मिलता है, तुम्हारी पूजाएं होती हैं, तुम्हारी मूर्तियां बना करके पूजते हैं लोग, कि अपने ही जो पूरे पुरातन जो हमारे बहुत बड़े पूर्वज जो थे देवी देवताएं, वो ऐसे रहा करते थे, इतने ऊंचे थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपन्न संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, तो ये जो सारी हमारी पूजाएं होती हैं, हमारे जो नाम मान शान जो दिए जाते हैं मूर्तियों को सामने, वो हमारे ही जीवन के बारे में था। तो उससे याद आता है कि हमें बनाया किसने, हमारी रचना किसने करी, हमें इतना खूबसूरत किसने बनाया। तो अगर हम अपने पिछले जन्मों को याद करें और उसके बाद हमारे जो माननीय हमारे पूजनीय जो हमारी मूर्तियों के सामने पूजा करी जाती थी, मान दिया जाता था, उसको याद करें, तो तब समझ आएगा कि इतना सुंदर बनाया किसने, इतना खूबसूरत किसने बनाया, इतना पूजनीय किसने बनाया, इतना श्रेष्ठ किसने बनाया हमें, तो फिर कौन याद आएगा, स्वयं परमपिता परमात्मा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। किसकी स्मृति, जिसने हमें ऐसा बनाया, जिसने हमें इस चक्र में भेजा और इस चक्र में हमें इतना सुंदर खूबसूरत बनाया और फिर से बनाने आ गया है हमारा ही परमपिता परमात्मा, जिसको हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा। तो परमात्मा पिता खूबसूरत बनाते हैं अपनी नजर से, और वो अपनी नजर से निहाल करते हैं, और यही समय चल रहा है संगम युग का,
जो फिर से आकर के हमें अपनी नज़रों से निहाल कर रहे हैं और हमें फिर से अपने जैसा बनाने की कोशिश में हैं। और वो सिर्फ 100 साल के लिए आते हैं ये कोशिश करने के लिए, क्योंकि हम ही हैं जो कि इतने मैले हो चुके हैं। हमें समय लगता है मैले से सुंदर बनने में, साफ बनने में, परमात्मा को तो 1 सेकंड लगता है ज्ञान देने में, लेकिन हमें टाइम लग जाता है थोड़ा मैले से सुंदर बनने में। तो क्यों ना हम इस स्मृति में रखें कि हम क्या थे, देवता थे, आदि देव थे, और अभी फिर से हम क्या है, ब्राह्मण बने हैं, आदि ब्राह्मण, और फिर से हमें देवता बनना है, पवित्र बनना है। इसी से हमें हमें बनाने वाला जो है, हमें ज्ञान देकर के बनाने वाला जो है, वो याद आता है। इसके साथ ओम शांति।